सत श्री अकाल फटाफट खबरां तुसीं देख रहे हो जिते तुहानूं दिखाईआं जांदीआं ने देश दुनिया मनोरंजन खेड ते वपार जगत दी अहम सरगर्मियां फटाफट यानी तेज रफ्तार दे नाल रोजाना दी तरह रुख करदे आं अज दी पहली खबर पंजाब कैबिनेट की मीटिंग तो शुरू करते हैं जिथे कि पंजाब कैबिनेट की मीटिंग 12 दिसंबर 2022 मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई होनी है। यह मीटिंग जी है दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ स्थित सिविल कतरेत की दूजी मंजिल से होगी तो जिसका मुख्य एजेंडा बाद में जारी किया जाए। विश्व कप फुटबॉल ग्राउंड में शामिल कतर के सिखरले अधिकारी ने पहली बार टूरनामेंट के नाल संबंधित तैयारियों दौरान मजदूरों की मौत की गिनती 400 से 500 के विचकार दसी है जो कतर सरकार के वालों पहलिया दसिया मौतों के नालों कितने ज्यादा वध है। डिलीवरी एंड लिगेसी के संबंधित कतर की कमेटी के सकत्र जनरल हसन अल थवादी ने बरतानवी पत्रकार इंटरव्यू के आंकड़ा दसिया इस नाल मनुखी अधिकार समूहों के द्वारा आलोचना होर तेज करने की उम्मीद है। पछमी एशिया के पहले विश्व कप की मेजबानी के लिए टूरनामेंट लिए 200 अरब डॉलर तो वध के स्टेडियम मेट्रो लाइना और नवे बुनियादी ढांचे के निर्माण दौरान प्रवासी मजदूरों की मौत की गिनती लिए मनुखी अधिकार समूह कतर की आलोचना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के 3 पत्रकारों की सड़की हादसे में मौत हुई है। पुलिस ने दसिया है कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्होंने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है तो इन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सलामतपुर थाने के इंचार्ज दविंद्र पाल ने दसिया है कि हादसा बीती रात लगभग 9 बजे लंबा खेड़िया नेड़े होया है तो मृतकों की पछाण राजेश शर्मा सुनील शर्मा और नरेंद्र दीक्षित वजो हुई है। हादसे मगरों ट्रक ड्राइवर वाहन सने फरार हो गया है तो अधिकारी ने दसिया है कि पुलिस ने ट्रक तो बाद बरखेड़ी नेड़े उसको बरामद कर लिया है। दस दिए कि सूत्रों मुताबिक भोपाल तो परत रहे सन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 पत्रकारों की मौत से दुख प्रकट किया है तो मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। अतवादियों के गैंगस्टर विचाले गठजोड़ खिलाफ कौमी जांच एजेंसी NIA ने अज सवेरे पंजाब उत्तर प्रदेश दिल्ली राजस्थान और हरियाणा के कई थावां ते छापे मारे ने। यह 4 राज्यों से दिल्ली के 6 तों वध जिलों के गैंगस्टर के नाल जुड़े रिहायशी और होर ठिकाणे ते छापे मारे जा रहे हैं जिसका उद्देश भारत और विदेशों में स्थित अतवादियों गैंगस्टर और नशा तस्कर विचाले गठजोड़ खत्म करना है। छापे लॉरेंस बिश्नोई नीरज पवाणा टीलू ताजपुरी और गोल्डी बराड़ के जुड़े गिरोह के गठजोड़ से केंद्रित ने जो कि पहला ही अतवादी विरोधी एजेंसियों की नज़र में सन। ऑस्ट्रेलिया के सब तो वड्डे सूबे न्यू साउथ वेल्स में कोरोना काल दौरान लगाए गए 10,000 जुर्माने जिहड़े ने वापस दिए जाएंगे तो जुर्माने भरन वाले लोगों को रकम जिहड़ी है वापस की जानी है। प्रशासन ने यह फैसला सरकारी वकील के स्वीकार किए जाने मगरों लिया है तो इस दौरान लगाए गए कुछ जुर्माने सही नहीं सन क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई सूबों के वालों कोरोना महामारी दौरान सख्त पाबंदियां लगाई गई सन जिन्होंने यात्रा करन और घर विचों बाहर निकलना शामिल सी। न्यू साउथ वेल्स में पुलिस सरकारी हुक्मों की उलंघना करने वालों को 1,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक जुर्माना खर सकते से। मुफ्त कानूनी सेवावां देने वाले रेडफर्न लीगल सेंटर ने 3 मुद्दे के आधार से जुलाई में केस किया जिन्हां विच उन्होंने दलील की थी कि तिन्हां नूं किए गए 1,000 से 3,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जुर्माने सही नहीं सन क्योंकि जुर्माने के नोटिसों के अपराध का जिक्र नहीं किया गया। न्यू साउथ वेल्स की सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकीलों ने सुनवाई दौरान मनिया कि इन्होंने मुद्दे किए गए जुर्माने जिहड़े ने कानूनी शर्तां पूरियां नहीं कर। कुछ हथियारबंद व्यक्तियों के वालों शरदा कतलकांड के मुलजम आफताब अमीन पूनावाला ले जा रही पुलिस वैन से हमला करने के मद्देनजर फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी रोहिणी नेरे सुरक्षित जड़ा सख्त कर दी गई है। उत्तर सुरक्षा जी पूनावाला सोमवार पॉलीग्राफ टैसट के वास्ते FSL ले जाया गया जदों उस पर हमला होया। सीनियर पुलिस अधिकारी ने दसिया है कि घटना के मद्देनजर सुरक्षा जी वधा दी गई है तो लैबोरेटरी बाहर अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया। पूनावाला पॉलीग्राफ टैसट के बाकी सैशन के लिए मंगलवार को दोबारा लैबोरेटरी लिया गया। बरतानिया के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत प्रशांत खेतर के नाल संबंधों को मजबूत करने से ज्यादा ध्यान देने की योजना के हिस्से के वजों भारत के नाल मुक्त व्यापार जिहड़ा समझौते प्रति अपने देश की वचनबद्धता को दोहराया। भारतीय मूल के नेता सुनक ने पिछले महीने प्रधानमंत्री का अहुदा संभालने तो बाद सोमवार रात को अपना पहला प्रमुख देश नीति भाषण दिता सी ते उन्हां चीन के संदर्भ दे विच चीज़ां जिहड़ियां ने वखरे तरीके दे नाल करन दा संकल्प भी लिया। सो इस रास्ते फटाफट खबर हूँ मैं देव इजाजत धन्यवाद।